चीन का यह हथियार सुन सकता है 1000 किलोमीटर दूर की बात। चीन का जासूसी जहाज आ रहा है हिंद महासागर। ये 750 किलोमीटर के दायरे में हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकता है। क्या मकसद है चीन का? क्या चीन हमारी जासूसी करना चाह रहा है? और ऐसे वक्त में क्यों आ रहा है जब भारत ने कुछ दिन पहले ही BMD सील्ड सिस्टम के AD-1 मिसाइल का टेस्ट किया है और अभी कुछ दिन बाद भारत एक और नंबर 1 मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। आखिर क्यों आ रहा है चीन का यह जासूसी जहाज और भारत ने चीन के जासूसी जहाज के साथ ऐसा क्या किया था जिससे चीन के इस जहाज को हिंद महासागर छोड़कर भागना पड़ा था? ये सब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। सरहद पर भारत को दादागिरी दिखाने के लिए तरह तरह की चालबाजियां करने वाला चीन अब समंदर में भी भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने अपना एक रिसर्च बोट हिंद महासागर क्षेत्र में भेज दिया है। चीन की इस हरकत के बाद भारतीय नौसेना हाई अलर्ट हो गई है। नेवी ने चीन के उस पोत पर कड़ी नजर बना रखी है। अभी यह कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन इस पोत का मकसद इंडियन नेवी की एक्टिविटी पर नजर बनाए रखना भी हो सकता है। लिहाजा भारतीय नौसेना का एक अनमैंड एरियल व्हीकल लगातार चीन के उस पोत पर नजर बनाए हुए है। दरअसल चीन अपने उपग्रह प्रक्षेपण पर नजर रखने के लिए इस तरह के अनुसंधान संबंधित जहाजों को भेजता रहता है लेकिन इस बार आशंका ये जताई जा रही है कि इस जहाज का उद्देश्य उस भारतीय मिसाइल को ट्रैक करना हो सकता है जिसकी कुछ महीनों में लॉन्चिंग है। भारत जिस मिसाइल को लॉन्च करने वाला है उसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने तैयार किया है। भारत लंबे समय से ऐसे चीन के जहाजों से निपट रहा है। इससे पहले चीन ने अपना एक जासूसी पोत भारत की समुद्री सीमा के करीब श्रीलंका में भेज दिया था। उस समय भारत अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा था लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जब श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का जासूसी जहाज U-5 आया था तब भारत ने उसके साथ कुछ ऐसा किया था जिससे चीनी जहाज को हिंद महासागर से भागना पड़ा था। आखिर उस समय क्या किया था भारत ने, हम ये बात वीडियो के आखिर में जानेंगे। पहले हम इस बार आए जासूसी जहाज और उससे होने वाले खतरे के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, हिंद महासागर को भारत का आंगन कहा जाता है। कूटनीतिक और राजनीतिक शब्दावली में हिंद महासागर भारत का बैकयार्ड कहलाता है। इस समंदर से भारत का मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और यहाँ तक कि सामाजिक रिश्ता है। देश के विदेशी व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होता था और आज भी होता है लेकिन भारत का ये आंगन चीन को खुली आंख नहीं सुहाता। चीन कई बार हिंद महासागर में अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं की मुक्त आवाजाही पर सवाल उठा चुका है जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यह भारत का आंगन है और भारत अपने आंगन में किसी को भी आने दे, ये भारत पर निर्भर होना चाहिए। इस समंदर में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे सुपर पावर की मौजूदगी के बाद भारत हिंद महासागर के इस पावर गेम से बाहर नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा बैकयार्ड है, ये हमारा आंगन है। अब हमारे आंगन में आकर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश युद्धाभ्यास, सैन्याभ्यास और पता नहीं क्या क्या करते हैं और अब तो चीन भी कभी कभी मुंह उठा के आने लगा है और हम इस पर अपना वर्चस्व भी न जमाएं। इसीलिए समय की मांग है कि भारत अपने आंगन में चल रहे सामरिक गठजोड़, युद्धाभ्यास, व्यापार की न सिर्फ जानकारी रखे बल्कि इसमें लीड रोल भी निभाए। दरअसल विस्तारवादी चीन की नीति न सिर्फ भारत के साथ देश के उत्तर और पूर्वी सीमा पर टकराव की है बल्कि चालबाज चीन समंदर में भी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इससे पहले सितंबर में जिस स्पाई शिप U-5 ने हम्बनटोटा पर लंगर डाला था वो श्रीलंका के बंदरगाह से वापस चाइना चला गया था। U-6 पर भी, यानी इस बार जो जासूसी जहाज आया है उस पर भी U-5 की तरह ही बड़े बड़े रडार और एंटीना लगे हुए हैं। इसको खास तौर पर मिसाइल परीक्षणों की जानकारी और सैटेलाइट गतिविधियों की जानकारी हासिल करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस जहाज का वजन करीब 22,000 टन से अधिक है। चीन का ये स्पाइसी हाईटेक सर्विलांस सिस्टम के अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्नूपिंग करने वाला सेंसर से लैस है। ये जहाज बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है और दूसरी गतिविधियों के बारे में भी पता लगा सकता है। लेकिन दोस्तों, पिछले बार जो जासूसी जहाज भारत की सीमा के करीब आया था उसके साथ आखिर भारत ने ऐसा क्या किया था जिससे चीनी जहाज को मजबूरन हिंद महासागर से भागना पड़ा था? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने चीन की चालाकी का जवाब देते हुए उसके जहाज के खिलाफ सैटेलाइट सिग्नल शील्ड लगा दी थी।
5 द्वारा उत्पन्न हुए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के लिए भारत ने 4 उपग्रह और 1 युद्धपोत को तैनात कर दिया था। भारत द्वारा उपग्रहों का उपयोग चीनी जासूसी जहाज की निगरानी के लिए किया गया था। इस उद्देश्य के लिए भारत ने 2 G-SAT-7 उपग्रह, RI-SAT और EMI-SAT जासूसी उपग्रह और नौसेना के संचार युद्धपोत को तैनात किया था। भारत के सैन्य उपग्रहों रुक्मणी और एंग्री बर्ड ने चीन को बखूबी जवाब देने का काम किया था। इसके अलावा बड़े पैमाने पर एंटेना, रडार, सेंसर, डेटा अवशोषित प्रणाली और चीनी जहाज पर निगरानी को भी इंटरसेप्ट किया गया था। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी को पकड़ने के लिए एंग्री बर्ड का प्रयोग किया गया था। मिलिट्री सैटेलाइट ने चीन की हर चाल की निगरानी की। वहीं भारत की ओर से कोई भी संदेश सिग्नल शील्ड से आगे नहीं बढ़ सका था। इस दौरान रक्षा खुफिया ने देश के रक्षा अनुसंधान और सैन्य केंद्रों को सतर्क रहने और इन दिनों संदेश भेजने से बचने की सलाह दी थी। इसके अलावा रिपोर्ट यह भी बताते हैं कि भारत ने चीन को गुमराह करने और व्यस्त रखने के लिए चीनी इंटरसेप्टर के लिए फर्जी संदेशों का सहारा लिया और बेकार सूचनाओं से युआन वांग 5 का एंटीना भर गया था और इस कारण चीनी उपकरणों के लिए सटीक डेटा एकत्र करना मुश्किल हो गया था। कुछ इस तरह भारत ने जिस अंदाज में जासूसी चीनी जहाज का सामना किया उससे ड्रैगन भी हैरत में पड़ गया और भारत की रणनीति के आगे बेबस हो गया था। अंततः जिस उद्देश्य के साथ चीनी जहाज आया था वो इसमें पूरी तरह विफल हो गया और घर को लौट गया। बताया तो यह भी जा रहा है कि युआन वांग 5 हम्बनटोटा बंदरगाह से भले ही वापस चला गया परंतु इस दौरान इसको भारत ने काफी नुकसान भी पहुंचाया था। दोस्तों, चीन हर जगह अपनी दादागिरी दिखाना चाह रहा है, चाहे वो ताइवान हो, दक्षिण चीन सागर हो या फिर वो 14 देश जिनके साथ चीन अपनी सीमाएं साझा करता है। हर देश के जमीन पर चीन दावा करता है लेकिन शायद उसको पता नहीं है कि उसका पाला किससे है। अब वो दिन आ गया है जब चीन को सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो कल को चीन हिंद महासागर पे भी अपना दावा ठोक सकता है। कोई ठीक नहीं है चीन का। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है, क्या मानना है आपका? हिंद महासागर के पास चीन का अपने जहाज को भेजने का क्या मकसद हो सकता है? क्या वो भारतीय मिसाइल की जासूसी करना चाह रहा है या फिर उसका कोई और ही मकसद है? क्या लगता है आपको, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि इस खबर को हर भारतीय जान सके। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।